हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी द्वारा जांच कराए जाने की मांग को लेकर भोपाल में प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया। नेता अरेरा हिल्स स्थित ईडी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। इस दौरान बैरिकेड पर चढ़ने का प्रयास कर रहे कांग्रेस के दो विधायक वाटर कैनन के प्रेशर से गिर गए। अमेरिकी शर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में ईडी की अनियमितताओं के विरोध में पूरे देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसी के तहत भोपाल में भी आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं सड़क पर उतरे। भोपाल में प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर रोक लिया। नेता अरेरा हिल्स स्थित ईटी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। इस दौरान बैरिकेड पर चढ़ने का प्रयास कर रहे कांग्रेस के दो विधायक वाटर कैन प्रेशर से नीचे गिर गए। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता मंजीरे बजाते हुए कांग्रेस कार्यालय से निकले और व्यापम चौराहे पर पहुंचे। यहां सभा हुई। सभा को प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने देश को कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, खाने वालों को पद दे दी, काला धन आएगा और 15-15 लाख जाएंगे, फेक कंपनियों का नाश कर दूंगा, कैसी कैसी बातें कही, खाने वालों को पदों पर बिठाया। जो निर्मला बुच जिनकी कंपनी को 2,65,000 डॉलर से 10 लाख डॉलर जिनकी कंपनी की वैल्यू हो गई, ये क्या मैसेज है? हम दो हमारे दो, अडानी और अंबानी की इनकम लाखों गुना बढ़ गई और गरीब आदमी देश का और गरीब हो गया। 80% संपत्ति देश के गरीबों की दो लोगों के पास है, 10 लोगों के पास है, 20 लोगों के पास है। कैसा देश बनाया आपने? गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। और नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था, ईमानदारी का, न मेरे आगे कोई है न मेरे पीछे कोई है, क्या मैसेज है? आगे पीछे अडानी और अंबानी है, ये मैसेज है। और अडानी की और अंबानी की दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए। और 80 देखिए, आज ईडी हो या सीबीआई हो, इन सबका उपयोग सरकार लोकतंत्र को खत्म करने में कर रही है। जब भी कहीं जोर नहीं चलता तो ईडी की कार्रवाई करने लग जाते हैं। ये जो लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है, इसको कांग्रेस सफल नहीं होने देगी। और मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि आखिर ये किस तरह का लोकतंत्र चल रहा है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी इनकी ऐसे कामों का लगातार विरोध करती रहेगी। रिपोर्ट आई है जिसके माध्यम से स्पष्ट हो चुका है कि देश के अंदर अडानी और सेबी चीफ मिलकर जनता के पैसे की गाड़ी कमाई की एक बड़ी लूट करने में लगे हुए हैं। वो लूच मैडम जिनका सीधा काम होना चाहिए कि सेबी को रेगुलेट करके इस तरह के घोटालों को रोके, वो उनके पतिदेव का पूरा पैसा शेल कंपनियों के माध्यम से, जो विदेशों से पैसा आता है, जो काले धन को लाने कई दिन से खत्म करते हुए ये काला धन जो लाने का तरीका रखा है, इसके खिलाफ प्रदर्शन है। ईडी विपक्ष पे तो कार्रवाई करती है, लूच मैडम की कार्रवाई करे, सीधे तौर पर ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का काम करे। धरना देने बोर्ड ऑफिस से आगे बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर रोक लिया। यहां कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और महेश परमान ने बैरिकेड पर चढ़कर जब आगे बढ़ने की कोशिश की, तभी पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का उपयोग किया। इस दौरान वाटर कैनन की बौछार से विधायक मसूद और परमार गिर गए। वहीं श्योपुर के विधायक बाबू जंडेल को पुलिस ने बैरिकेड से हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। ईएमटी न्यूज के लिए धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट।